दोस्तों आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर और इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर लखनऊ टीम ने मोहाली में कर दिखाया। दोस्तों दिखाएंगे इस रोमांचक मैच का पूरा हालचाल इसी वीडियो में। इससे पहले कायल मेयर्स और क्रिस गेल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, कमेंट कर जरूर बताएं। इस मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और लखनऊ की टीम ने खतरनाक असरदार तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल 2023 का 257 रनों का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। एलएससी की ओर से कायल मेयर्स और मार्कस टॉइनिस ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक बनाए। मेयर्स ने 24 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 57 रन की पारी खेली। वहीं मार्कस टॉइनिस ने 40 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 72 रन की पारी खेली। वहीं आयुष बदोनी ने 3 चौके और 3 छक्कों के साथ 43 रन। वहीं निकोलस पूरन ने 19 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के के साथ 47 रन की पारी खेली। वहीं पंजाब की ओर से रबाडा को 2, वहीं आर्चदीप, सैम करन और लिविंगस्टन को एक एक सफलता मिली। 258 के पहाड़ जैसे टारगेट को चेस करने उतरी पंजाब की शुरुआत खराब रही। पहली ओवर की 5वीं गेंद पर स्टोइनिस ने शिखर धवन को चलता किया और यही कारण रहा कि पंजाब की टीम पूरे 20 ओवर भी ना खेल सकी और एक गेंद शेष रहते 201 के स्कोर पर ऑल आउट हुई और महत्वपूर्ण मुकाबले में 56 रन के बड़े मार्जिन से हार गई। पंजाब की ओर से अथर्व ताड़े ने 36 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों के साथ सबसे ज्यादा 66 रन की पारी खेली। वही लखनऊ की ओर से यश ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। वही नवीन उलक 3, रवि बिश्नोई 2 और मार्कस टॉइनिस को एक सफलता मिली। वही इस शानदार जीत के साथ लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। वही इस हार के बाद पंजाब की टीम 6वें नंबर पर खिसक गई है। तो दोस्तों इस मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।